अभी हम आ चुके हैं और सीरियसली जो हाल है वो अंचल भाई देखो मिडिल में बैठे वो खेलना चाहते हैं। रंग रंग के आ रहे हैं पूछे मत। चार्ज दिया कितनी एनर्जी है? फुल एनर्जी। कहाँ है? आंखों से दिखेगी नहीं, आंखों में बाल है क्योंकि, लेकिन एनर्जी पूरी है। अभी हम चलते जाएंगे 2-4 किलोमीटर और पैदल और फोटो खींचते जाएंगे। भाई जिसका व्लॉग है वो गायब है इंसान, तो क्या करें? सही कह रहे हो। अच्छा अच्छा अच्छा, गेट आ गया तो इस समय हम जाएंगे उसके अंदर। टिकट आज ही ले लेंगे, टिकट वगैरह देखते हैं कैसे क्या होता है। बंदे को ब्लॉग की चिंता नहीं है, फोटो खींचने क्या दोगे पब्लिक को अपनी? क्या दोगे अपने पब्लिक को? अंदर जाके देंगे ना। हाँ इस चैनल को, इस ब्लॉग को बिल्कुल भी सब्सक्राइब और लाइक मत करना। ये बंदा बिल्कुल मतलब इतनी सी डेडिकेशन नहीं है, सारी मेहनत हमें करनी पड़ रही है। जैसा आपको लगे ना वो करना, वो ये बंदा। अच्छा मजा आया तो सब्सक्राइब करना, सब कुछ करना, परेशान करके। और नहीं आए मजा तो भी कर देना, नाटक नहीं करना पड़ेगा। हाँ जी हम आगे आ रहे हैं। अब पीछे आपको स्टैचू दिखा होगा, ये है चंद्रशेखर आजाद का जी का स्टैचू। जब इनको पकड़ने आ रहे थे तो यहीं भाग के आए थे और यहीं पर इन्होंने अपने आप को गोली मारी थी, जिससे कि अंग्रेज लोग इनको पकड़ ना पाए। इन्होंने कसम खाई थी कि मैं अंग्रेजों के हाथों से नहीं मरूंगा, मरूंगा तो खुद ही मरूंगा। ये वजह है, इस वजह से इस पार्क का नाम चंद्रशेखर आजाद जी का। हाँ चलो चलते। अरे उधर सनसेट हुआ है अभी तो, थोड़ा सेटिंग वगैरह इसकी शायद चेंज हो गई है। हेल रहे कोई बेस्ट लोकेशन मिलती है सिनेमैटिक वीडियो लेने के लिए? ले रहे हैं बस, मिला नहीं है कुछ, कुछ यूनिक नहीं मिल रहा, कुछ स्पेशल नहीं मिल रहा। यस मिलता है तो कुछ आपको लगूँ, जो देखने को मिलेगा वही आपको मिलेगा। अभी तो हमें खुद नहीं पता हम क्या बनाने वाले हैं। हल्के भाई अभी गिरने वाले थे, बच गया। भाई शमा खाने में इंटरेस्टेड है यार, अब ये नहीं पता है देख। अरे यार आंवला लगा है भाई, भाई आंवला लगा है, लगा है भाई आंवला लगा है। अरे यार उसमें भी इतने सारे, अरे भाई ये है आंवला का ही है, आंवले का ही। नहीं रेंदर है, बात खराब होगी। 5 रुपए में 2 आंवले भी ले लो उसके अंदर घुसने दियो। वाओ वाओ पे चल रही है फोटोग्राफी। लोग वो भी किसकी पता है? कुत्ते की फोटो। मॉडल है आदित्य भैया के लिए, रेस्पेक्ट से ना।
डॉगी जी है वो, डॉगी जी कुत्ता बोलने वाला हुआ, उनकी भी कम्युनिकेटिव होती है। ओहो तुमने देखा था क्या, उन्होंने बनवाए थे ना ये बनवाते हैं, अगर किसी हो ना तो उसको बनवाना हो। अभी हमने लिए हैं बहुत सारे डॉगी के फोटो जो कि आपको श्यामा क्रिएशन पे मिल जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, सर्च करना है इंस्टाग्राम पे श्यामा क्रिएशन और अमेजिंग फोटोज आपका। इंस्टा फेसबुक दोनों पे पेज है, इंस्टा पे आईडी है, फेसबुक पे पेज है, जाओ सर्च करो, फॉलो करो, लाइक करो, कमेंट करो कि कैसे कैसे नहीं। बस अभी हम अंदर आए, कहाँ मंदिर अंदर जंगल में होल्डिंग होल्डिंग क्या तुम अंदर को मंदिर समझ रहे हो, बिल्डिंग को होल्डिंग समझ रहे हो तो और क्या होगा भाई। अभी तो उजाला है, अंधेरा होने का वेट कर भाई, हम अपने फोटो ले रहे हैं। ओफो ओफो ये क्या मिला, डब्लू डब्लू हमें मिल चुका है, डब्लू तो नहीं, क्या कहेंगे इसे, इसको उल्टा यू बोल सकते हैं। ए ए ए ए उल्टा यू। हेलो गाइस, पूरा पार्क घूम लिया हमने, उसमें सबसे अच्छी सुंदर जगह मिली है, पीछे वाटरफॉल हो रहा है इस तरह, ये रहा वहाँ पे वाटरफॉल हो रहा है। अभी अंधेरा हो चुका है थोड़ा सा, मगर उस समय बहुत सुंदर लग रहा था कुछ इस तरह से या वाटरफॉल। यहाँ पे वाटरफॉल्स के साथ साथ स्ट्रीट लाइट पे वो लगे हुए हैं, म्यूज़िक सिस्टम, जिसमें बहुत ही सुंदर सा लेटेस्ट सा म्यूज़िक टोन बज रही है, लोग बैठ के चिलिंग कर रहे हैं, लोग टहल रहे हैं, काफ़ी ऐसी सारी चीज़ें हैं, लोग अच्छा एंजॉय कर रहे हैं। आज़ाद पार्क का टिकट 5 रुपये है ना, 5 रुपये पर कैंडिडेट के हिसाब से इसका टिकट है। आप टाइमिंग इसकी कितने बजे खुलता है, सुबह 5 बजे से रात के 8 बजे तक ही अवेलेबल है, 5 रुपये लीजिए, जब तक मन करे बैठिए, टहलिए, झूलिए, जो भी करना है आपको, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। और सबसे प्यारा तो यही लगा, ये पीछे फाउंटेन चल रहा है, ये यहाँ पे कुछ फोटोग्राफी कर रहे हैं ये लोग, समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाह रहे हैं, वाटरफॉल का कुछ फोटो, वाटरफॉल इट्स अ फॉल। और अभी ये यहाँ से येलो से ब्लू हो गए और मैं ब्लू से येलो हो गया हूँ, थोड़े थक चुके हैं ये तुम्हारी एनर्जी खा के तुमने मैंने इनकी एनर्जी ले ली। और अभी हम कहाँ जाने वाले हैं, अरे अभी कहाँ जाने वाले अपन, कुछ नहीं पता अभी एक जगह और जा रहे हैं जहाँ पे कुछ वाटरफॉल ही है कुछ इस तरह से, देखते हैं। बेसिकली सिद्धार्थ भाई को करनी है स्लो शटर वाली फोटोज की कैप्चर, ओके आप उसको जाके देख सकते हैं, @ सिद्धार्थ शर्मा उसका इंस्टाग्राम अकाउंट है, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, बेसिकली ब्लॉग से हटके भी काफ़ी सारी फोटोग्राफी है जो आएगी, और आएगी तो इन्हीं के हाथ में है, जो भी कहाँ आएगी सब आएगी, कुछ श्यामा क्रिएशन पे आएगी, कहाँ आएगी, अरे क्या वो यूट्यूब होता है ना लाल वाला यूट्यूब, उस पर आएगी, उस पर जी आप क्या कर रहे हो, वीडियो बना रहे हो, जो वीडियो बननी है भैया, भैया ये कमरा ये गमला अच्छा लग रहा है भैया, इससे ना बाद में बताएंगे। अभी यहाँ पे कुछ लाइट रेटिंग करके कुछ फोटोग्राफी हो रही है, इनका सेटअप है पूरा, दिमाग खराब कर दिया है सुबह से, फोटो लेना फोटो लेना फोटो लेना, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं भैया जी, यहाँ पे क्या हो रहा है बताएंगे कुछ हमारे दर्शक, चल रही है, अरे इधर से अंधेरा आ रहा है, इधर से बताएंगे भैया जी इधर क्या हो रहा है, बनाओ क्या वहाँ पे अपना नाम उल्टा लिखते हैं भैया जी यहाँ पे क्या हो रहा है, दूर जाओ फिल्म, 4 सेकंड है फिल्म भैया, फिल्म कौन सी वाली भैया, रुको भाई रुको, फोकस में लूंगा मैं, जैसा आप देख सकते हैं ये हमें इग्नोर मार रहे हैं, इग्नोर और घोर इग्नोर मार रहे हैं। अभी बस हम यहाँ से एग्जिट लेने वाले हैं, थोड़ा सा अंधेरा हो गया है, दूसरी जगह दूसरा जो पार्क है वहाँ जाके देखेंगे, वहाँ कुछ मिलता है नहीं मिलता है, चलते हैं। अभी हम आ गए हैं पार्क के एग्जिट पे, अभी यहाँ पे हर्षल भाई और सब लोगों ने लिया है, क्या नाम है, कौन सी शॉट लिया भाई हमने, अभी वो लाइटिंग वाला क्या बोलते हैं उसको,
ओह ये हमारे पीछे है फाइटर प्लेन का है जो उड़ता नहीं है ये रहा जो उड़ता नहीं है बेचारा खड़ा रहता है ये अरे ये रहा सॉरी ये रहा फाइटर प्लेन मैं स्क्रीन की तरफ उंगली कर रहा था ये फाइटर प्लेन और अभी हम कहाँ जाने वाले पहले तो शायद घर को पहले तो एग्जिट जाने वाले हैं उसका देखते हैं कुछ मिलता है रोड पे तो अच्छा है बहुत ही अच्छा पार्क था पीसफुल है साउंड चल रही है चारों तरफ वेव्स हैं फाउंटेन है लाइटिंग ले लो लाइटिंग भी है यहाँ पे डेकोरेट किया है कुछ इस तरह से पेड़ों को सुंदर है अभी आ गए हम ये एग्जिट पे ये रहा उसका पार्क का एग्जिट गेट और एंट्री गेट एंट्रेंस और एग्जिट दोनों एक ही गेट से हैं कुछ ये नहीं भाई तो हम तीन से घुसे थे एक नंबर है ये एक नंबर है अरे तो एग्जिट और एंट्रेंस तो किसी भी गेट से है ना गेट तो पांच है इस पार्क के हाँ तो किसी से भी एंट्री ले सकते हो आप और किसी से भी एग्जिट ले सकते हो बिल्कुल सेम है हर जगह पे सिचुएशन सेम है हर जगह के हर गेट पे आपको मिलेगा टिकट काउंटर इस तरफ यहाँ से आपको लेना पड़ेगा टिकट उसके बाद आपको मिलेगी एंट्री उसके बाद आप कहीं से भी एग्जिट ले सकते हैं बेसिकली इस पार्क के पाँच ग्रिल में यस इस गेट इस पार्क के पाँच गेट हैं कहीं से भी आप एंट्री और एग्जिट दोनों कर सकते हैं अभी कुछ इस तरह से है व्यू और अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पे इलाहाबाद की क्या फेवरेट डिश है या जो हम अपने संग कैरी कर सकते हैं विस्तृत रूप तो भैया ने बोला है कि यहाँ की लौंग लता फेवरेट है और एक चीज़ और क्या बताई लौंग लता के अलावा पतीसा कुछ पतीसा टाइप बोला है देखते हैं अगर हम आओ सोन पापड़ी सोन पापड़ी का विस्तृत रूप